में हुए शहीद जवानों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। यादव ने कहा, जवानों पर गर्व है कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हमने अपने दुश्मन से हिसाब चुकता किया। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलवामा में हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। यादव ने कहा कि पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों का बलिदान हुआ था। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी ड्यूटी करते करते प्राणों का बलिदान दिया और मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर इन जवानों के बलिदान का हिसाब चुकता कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर हमारा एक दुश्मन जो लगातार देश पर हमला करता था उसे भी चुप कर दिया। पुलवामा हमले के दरमियान जो हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों का जो बलिदान हुआ था उसको स्मरण रखते हुए आज शौर्य दिवस के इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ और मुझे इस बात का गर्व भी है कि हमारे जवानों ने अपनी ड्यूटी करते करते प्राणों का बलिदान किया और मुझे इस बात का भी संतोष है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक करके हिसाब भी चुकता किया और एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक ही है यशस्वी प्रधानमंत्री की, जिसके कारण से हमारा एक पड़ोसी दुश्मन जो लगातार 60-70 साल से लगातार हमारे देश में अस्थिरता फैलाता था, आज की स्थिति ये कि दोनों स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई और जीवन में कभी ऐसा मौका ना आए कि कोई दुश्मन हमारे देश के अंदर कोई अव्यवस्था फैलाए। मैं सभी अमर बलिदानियों को पुनः श्रद्धा नमन करते हुए और परमात्मा से कामना करता हूँ कि वो हमारे देश के ऊपर कभी ऐसे कोई संकट आए तो निश्चित रूप से बलिदानियों को स्मरण करते हुए हम दुश्मनों से दुश्मनों को दांत भी इकट्ठे करेंगे और सरकार की व्यवस्थाओं के आधार पर भारत का विश्वास दुनिया में अपनी व्यवस्थाओं को चलाने में बनता रहे। सारे सैन्यकर्मी सभी प्रकार के हमारे मिलिट्री मैन सबके प्रति विश्वास देश का जो बना है परमात्मा करे बना रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।